ओवरसीज पाकिस्तानी और पीटीआई कारकुनों का लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर के सामने और हाइड पार्क में इमरान खान हुकूमत के खात्मे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे में हजारों अफराद ने शिरकत की और साबिक वज़ीरे आज़म इमरान खान से इजहार यकजहती किया। इस मौके पर फजा मुसलसल पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानियों और पीटीआई कारकुनों का लंदन में मियां नवाज शरीफ के घर के सामने और हाइड पार्क में इमरान खान हुकूमत के खात्मे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। फिजा पीटीआई जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। इस मौके पर शुरका ने नून लीग समेत ओपोजिशन जमातों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हजारों की तादाद में कारकुनों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी नवाज शरीफ की रहायश गाह के बाहर मौजूद रहे। नवाज शरीफ के घर के अलावा हाइड पार्क में भी पीटीआई कारकुनों ने मुजाहरा किया। शुरका 12 बजे दिन से ही हाइड पार्क के अंदर जमा होना शुरू हो गए। ओवरसीज पाकिस्तानी बच्चों और बुजुर्गों समेत इस मुजाहरे में शरीक हुए। मुजाहरीन ने पार्टी परचम और एहतजाजी बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहरीन ने ओपोजिशन जमातों और अमेरिका के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फिजा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के फलक चगाफ नारों से गूंजती रही। इस मौके पर शुरका ने नून लीग और दीगर इतिहादी जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के फलक चगाफ नारे लगाए। शुरका ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए अपने कायद इमरान खान को पैगाम दिया कि ओवरसीज इनके शाना बशाना खड़े हैं, इस हुकूमत से इनकारी और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म तस्लीम नहीं करते। हम इमरान खान के लिए आए हैं और हम उसके साथ हैं और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर और हमारा वही प्राइम मिनिस्टर है, हमेशा वही रहेगा। इतने हम खुश हैं, इतनी खुशी हो रही है इन सब पाकिस्तानियों को इकट्ठे देख कर और ये एहसास हो रहा है कि हम सब यहाँ पर रह के पाकिस्तान के साथ हैं और इतना हमें मजा आ रहा है कि हम इमरान खान जैसे लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग को वो लोग वापस नहीं चाहिए जो कि 30 और 40 साल से कुछ नहीं कर सके मुल्क को। अगर वो पहले नहीं कर सके तो अभी क्यों करेंगे, वो हमको उन पे भरोसा नहीं है। इमरान खान का सपोर्ट करने के लिए आए इस तलाक और इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ। इमरान खान जिंदाबाद। आज हम इमरान खान को सपोर्ट करने आए हैं क्योंकि ही इज फाइटिंग फॉर द होल कंट्री और हम सबको इस वक्त ज़रूरत है कि इमरान खान इस चीज़ पर बात करें और हम सब लोग उनका साथ दें। दुगनी तादाद में लोग निकले हैं और पब्लिक, ख्वाह वो पाकिस्तान में हो, ख्वाह वो यूके में हो, पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान और पाकिस्तानी जो है इमरान खान के लिए खड़े हो गए। इमरान खान ने 26 साल स्ट्रगल किया है अवाम को जगाने के लिए और अवाम अब ऐसी जागी है कि अब जब तक हम इनको सुला नहीं देते, चोरों और डाकुओं को भगा नहीं देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। हमें इमरान खान वापस चाहिए। हम इमरान खान के लिए आए हैं और इमरान खान वापस आएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान तबीदाबाद। पाकिस्तान जो है बहुत कुर्बानियों से हासिल हुआ है, इन चोरों और डाकुओं के लिए नहीं बना कि जो आए और 30 साल हुकूमत करें और गरीबों का हक खाए। जिस तरह इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान का कचरा एक जगह इकट्ठा कर दिया है, हम सब मिलके उस कचरे को दफन करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। जिस तादाद में कल कराची के जलसे में लोग नजर आए हैं, मुझे लगता है वो एक प्रूव है कि इफ एनीथिंग इमरान खान इज जस्ट विनिंग हार्ट्स एंड वोट्स दिस टाइम। लंदन के अलावा बरतानिया के दिगर शहरों में भी इमरान खान की हमायत में मुजाहरों का सिलसिला जारी है, जिनमें ओवरसीज पाकिस्तानी भरपूर शिरकत कर रहे हैं। गुलाम हुसैन आवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज, यूके। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के कारकुनों ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा गोल्ड स्मिथ की रिहायशगाह के सामने एहतजाज किया। लीग के कारकुनों ने हाथों में कतबे और बैनर्स उठाकर शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान अगर एवन फील्ड आएंगे तो हम जमायमा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर एहतजाज करते रहेंगे। मकामी लीग कायदीन की ज़ेर निगरानी मुजाहरा 3 घंटे तक जारी रहा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वसीम कासमी की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके रिचमंड में साबिक वजीर आजम इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर मुस्लिम लीग नून बरतानिया की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद किया गया। मुजाहरे में शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर तहरीक इंसाफ के कायद और साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ नारे दर्ज थे।
मुजाहिरीन ने जमायमा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर बरतानवी वक्त 1 बजे से 3 बजे तक मुसलसल एहतजाज किया, जिसमें मुकामी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जुबैर गुल एजाज गुल, नासिर बट इकबाल सिंधु, शकूर खान और जाकिर कियानी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर लीगी कारकुनों और अहदेदारों का कहना था कि हमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मजबूर कर दिया कि हम आज यहां आकर नारेबाजी करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। उनका कहना था कि हमारे कायदीन की सियासी तालीमात में ऐसा करना शामिल नहीं है। तहम मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर गाली गलोच और मुसलसल बद तहजीबी की वजह से ऐसा करना मकसूद हुआ। बार बार आते हैं, गली जुबान बोलते हैं, हमले करते हैं, तो हमारा बार बार समझाने के बाद भी उनको समझ नहीं आ रही थी। हम किसी की फैमिलियों पे नहीं आना चाहते, हम मजबूरन आए हैं और ये मैसेज देने आए कि इधर इमरान खान के बच्चे रहते हैं, तो हम सिर्फ ये अपना प्रोटेस्ट पीसफुल एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए हैं कि सियासत करो, सियासत आपका हक है, एहतजाज करो, लेकिन घरों के बाहर वाली सियासत ऐसे कल्चर को ओवरसीज में प्रमोट बना। इमरान खान ने गलत रवायत डाली है पाकिस्तान में कि दूसरे घरों शरीफ लोगों का जाकर स्कूल पर बात करना है। इमरान खान को बता दिया जाता है कि हम सियासत में आपसे पहले है, हम हथकंडे जानते हैं, अगर नवाज शरीफ के घर की तरफ आप लोगों ने आंख उठा के देखा तो हम इसे भरपूर तौर पर आपको जवाब देंगे। ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं के लोगों के घरों के बाहर मियां नवाज शरीफ के घर के बाहर जहां फैमिलीज रहती हैं वहां पे जाकर बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल करना, गाली गलौज करना, अंडे फेंकना हमारे कल्चर में नहीं था। मुस्लिम लीग नून और अपने कायदीन के साथ यकजहती के लिए, क्योंकि जो इमरान खान न्याजी ने पिछले 3.5-4 साल में मुल्क का और अवाम का जो बेड़ा गर्क कर दिया, बुरा हाल कर दिया, हम उसके खिलाफ यहाँ पे आज एहतजाज करने के लिए आए हैं। रोज घरों के बाहर आप मियां साहब के खड़े हैं, शादियों के बाहर आप पर्सनल उसमें फैमिली इवेंट्स में आपने आके एहतजाज किए हैं फॉर नो रीजन, तो लेफ्ट अस विद नो चॉइस कि आज हम इनके घर के बाहर आए हैं टू गिव देम द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन ताकि इन्हें पता चले कि हाउ डज इट अफेक्ट। हम यहाँ पे पुरअमन एहतजाज के लिए आए हैं और इमरान न्याजी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सियासत में आपने जो गंदगी बखेरी है खुदा रहा इसको खत्म करें, लोगों के घरों के आगे जाना बंद करें। पीटीआई वाले हमें मजबूर करते हैं कि हम इस तरह के काम करें और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज के बाद पीटीआई वाले कभी भी कायदे मोहतरम के घर के बाहर आकर एहतजाज नहीं करेंगे। वो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वो नहीं जाते हो, तो लिहाजा मजबूर हुए हैं, चूंकि रेड लाइन हमेशा उन्होंने क्रॉस की है, हम मजबूर हुए हैं यहाँ पे आए। लोगों के घरों के बाहर मजारे करने के हक में नहीं है, पर ये गुज़िश्ते कई सालों से मियां नवाज शरीफ साहब के बेटों के घर के बाहर मजारे और बदतमीजियाँ का जो तूफान गर्म किया हुआ है उसको रोकने के लिए आज हमने कोशिश की है कि इनको पता लगे कि ये कैसा फील होता है। जमायमा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर मुजाहरे मुस्लिम लीग नून के मुकामी कारकुनान की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया और कहा गया कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग एवन फील्ड आएंगे तो हम रोजाना यहां आकर एहतजाज करेंगे। लीगी कारकुनान के एहतजाज के दौरान तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा रूमी मलिक अपने साथियों समेत पहुँचे और मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर किसी नाखुशगवार सूरतेहाल से बचने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी जिसने पुरजोश कारकुनों को एक दूसरे से लड़ने से रोके रखा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने जमायमा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर एहतजाज को गलत करार दिया। 3 घंटे जारी रहने वाले इस मुजाहरे में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने इमरान खान और उनके बच्चों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और मुतालबा किया कि एवन फील्ड के बाहर मुजाहरों में नाजेबा अल्फाज और गालम गलोच को फौरी तौर पर रोका जाए वरना ऐसे मुजाहरे जारी रहेंगे। वसीम काजमी, 92 न्यूज, लंदन। मैनचेस्टर के पिकाडिली गार्डन में पीटीआई नॉर्थ वेस्ट की जानिब से इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया गया जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी के बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और खवातीन समेत हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए। इस मौके पर फजा पीटीआई जिंदाबाद इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारों से गूंजती रही। मुजाहरे का मजीद अहवाल जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में। मैनचेस्टर के पकाडली गार्डन में मारूफ कारोबारी शख्सियत बिलाल गफूर और पीटीआई नॉर्थ वेस्ट की जानब से साबिक वजीर आजम इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे में बच्चों, बड़ों, बूढ़ों और खवातीन समेत हजारों अफराद ने भरपूर शिरकत की। मुजाहरे के शुरुआती हाथों में पीटीआई और पाकिस्तान के झंडों के अलावा प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर मौजूदा हुकूमत के खिलाफ और साबिक वजीर आजम इमरान खान के हक में नारे दर्ज थे। शुरुआती मुजाहरे के दौरान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पीटीआई में शामिल दूसरी जमातों के खिलाफ जोशीले नारे लगाकर माहौल गर्मा दिया। फिजा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, नामंजूर, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान के नारों से गूंजती रही। Imported equipment!
मुजाहरे के दौरान सिक्योरिटी का भरपूर इंतजाम किया गया। पुलिस की मौजूदगी के अलावा एक हेलीकॉप्टर भी लगातार फजा से मुजाहरे की निगरानी करता रहा। 92 न्यूज से बात करते हुए सदर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट, कारोबारी शख्सियत बिलाल गफूर और मुजाहरे के दूसरे शुरका का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत पर ये जो शबखून मारा गया है और इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसलत की गई है, हम उसे मुस्तरद करते हैं। मुजाहरीन ने जल्द से जल्द नए इलेक्शन कराने का मुतालबा किया। पाकिस्तान जैसा जलसा आपने हमने दिखाया पिकेटली गार्डन्स में, पता लगता है हम यहाँ पे लाहौर या कराची या इस्लामाबाद में को हल्के में, तो इधर आज 5,000 से ज़्यादा लोग ने शिरकत की है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और इमरान खान इंशाल्लाह अगली दफ़ा बनेंगे वज़ीर आज़म। ये इमरान खान की मोहब्बत में लोग निकले हुए हैं, बहुत प्यार करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इमरान साहब के साथ हैं और खान साहब की हर तरह की सपोर्ट हम करेंगे। ये आज़ादी की जंग के लिए आज लोग निकले हैं, हम क्या चाहते हैं? आज़ादी। हम सब यहाँ मैनचेस्टर में अपने लीडर इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हम उन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि वो हमारे मुल्क के लिए, सब मुसलमानों के लिए एक नेमत हैं। इमरान खान साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा मैनचेस्टर आपके साथ है और आपने भी घबराना नहीं है। जैसे एक दफ़ा आपने अपनी आवाम से कहा था कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, इसी तरह आज हम आपसे कह रहे हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान सो मच। पाकिस्तान की खातिर, आवाम की खातिर कुछ होश के नाखून लिए जाए ताकि जो गरीब आवाम जो पहले पिसी हुई है इसका कुछ बन सके। कौन बचाएगा पाकिस्तान? मंजूर है इमरान खान, अल्लाह ताला के दुआई पाके परतेगार आपको कदम कदम ते इंशाल्लाह कामयाबियां देगा। इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ अल्लाह ने जंग कर दिया है और पाकिस्तान की आवाम इस इंपोर्टेड हुकूमत को, इस करप्शन की हुकूमत को, माफिया की हुकूमत को बूसत कर चुके हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वी हैव सीन अ प्रोग्रेसिव प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान। वी स्टैंड विद इमरान खान एंड वी डिमांड अ ट्रू Election now. आज मैनचेस्टर की गयूरी आवाम ने अपना फैसला दे दिया है, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो हमें ना मंजूर है। आज देख लें जो मैनचेस्टर में जो आवाम है ये इमरान खान के साथ है, हमें सिर्फ इलेक्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं चाहिए। हम सब अवर्सी पाकिस्तानी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इमरान खान के हक में रैली निकाली है और हम हाँ साहब को किसी तरह कहना चाहते हैं, हाँ साहब आपने घबराना नहीं, हम आपके साथ हैं। जिस मुल्क की माएँ, जिस कौम में माएँ उठती हैं उस कौम की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता, वहाँ इमरान खान पैदा होते ही रहते हैं। जो नवाज शरीफ के ये लोग फिर रहे हैं ये कुछ नहीं कर सकते, आज इमरान खान पूरी दुनिया आपके साथ है। हम इमरान खान के मुजाहिद हैं, हम इमरान खान के लिए जान भी देंगे। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के खिलाफ यहाँ बहुत बड़ा एहतजाज मैनचेस्टर पिकेडली गार्डन में रिकॉर्ड किया गया है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप भी जितना हो सकता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने इलाकों में, अपनी कम्युनिटी में इमरान खान को सपोर्ट करें और उसकी आवाज़ को बुलंद करें। मैनचेस्टर मुजाहरे में साहबजादा आमिर जहांगीर, कारोबारी शख्सियत बिलाल गफूर, सदर पीटीआई नॉर्थ वेस्ट आसिफ भट्ट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बाबर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी वकास जवेद, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन अलीन एडवोकेट, सदर पीटीआई बरतानिया राना अब्दुल सत्तार, सीनियर नायब सदर मलिक इमरान खलील के अलावा हर शोबे जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने साबिक वजीर आजम इमरान खान से भरपूर इजहार यकजहती किया। मैनचेस्टर के पिकेडली गार्डन में इमरान खान के साथ इस आरे यकजहती करने वाले मुजाहरीन का कहना था कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट करते हैं और जल्द अज जल्द नए इलेक्शन का मुतालबा करते हैं। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज, मैनचेस्टर। बर्मिंघम में भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में सैकड़ों ओवरसीज पाकिस्तानी सड़कों पर निकल आए। मुजाहरे में बर्मिंघम के गिर्दोनवाह से ओवरसीज पाकिस्तानीज ने फैमिलीज के हमराह शिरकत की और इमरान खान से इजहार यकजहती किया। शुरका ने मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत करार देकर उसे तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फजा PDM की जमातों के खिलाफ नारों से गूंजती रही। तफसीलात खावर राजा की इस रिपोर्ट में देखिए।
سابق وزیر اعظم پاکستان اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حق میں اوورسیز پاکستانیوں کے برطانیہ بھر میں مظاہرے جاری۔ برمنگم کی فضا بھی امپورٹڈ حکومت نام منظور کے نعروں سے گونجتی رہی۔ برمنگم میں ہونے والے مظاہرے میں اوورسیز پاکستانیوں پی ٹی آئی کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ برمنگم کے گرد و نواح سے عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر فضا پی ٹی آئی زندہ باد کے نعروں اور نغموں سے گونجتی رہی۔ مظاہرے میں بچوں، بزرگوں، خواتین و حضرات نے قومی اور پارٹی پرچموں کے ساتھ شرکت کی اور خوب نعرے لگائے۔ 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے شرکا نے اپنے قائد عمران خان کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی شہباز شریف کو وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتے۔ ہم بطور پاکستانی امریکہ کی غلامی کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ فوری الیکشن کرائے جائیں۔ ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں۔ ہم عمران کے لیے نکلے ہیں، ہم پاکستان کے لیے نکلے ہیں۔ وی وانٹ انڈیپینڈنٹ پاکستان، ناٹ غلام پاکستان۔ عمران خان زندہ باد۔ وی وانٹ الیکشنز ایز سون ایز پاسبل۔ عمران خان زندہ باد۔ فوری الیکشن کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ عمران خان زندہ باد۔ عمران خان زندہ باد۔ ہم ادھر آئے ہیں عمران خان کے لیے۔ یہ دیکھیں عوام کا سمندر، ٹھاٹے مارتا سمندر، ہر جگہ پوری دنیا میں عمران خان کے لیے نکلا۔ ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ان کی، ان چوروں کی گورنمنٹ کو نہیں مانتے جو گورنمنٹ ہم پہ مسلط کی گئی ہے۔ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی زندہ باد۔ خان زندہ باد۔ پاکستان۔ We've come here today to support عمران خان against all the corrupted people۔ مظاہرے میں ہر طرف پارٹی پرچموں کی بہار دکھائی دی۔ اس موقع پر شرکا کا جوش و خروش قابل دید تھا۔ برمنگم میں اس ٹائم ہزاروں کی تعداد میں عوام کا جمع غفیر عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ عوام کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر ہم عمران خان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور کسی صورت بھی امریکہ کی جو غلامی ہے اس کو منظور نہیں کریں گے۔ بابر راجا، 92 نیوز، برمنگم۔ برطانیہ کے مختلف شہروں میں عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسکاٹ لینڈ کے دارالحکومت اینڈمبرا میں سکاٹش پارلیمنٹ کے باہر تحریک انصاف اینڈمبرا کے صدر چودھری نثار علی کی طرف سے مظاہرے کی کال دی گئی، جس پر سینکڑوں افراد کی طرف سے سکاٹش پارلیمنٹ کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ اس حوالے سے 92 نیوز کے نمائندے چودھری خالد پرویز کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں تحریک انصاف ایڈنبرا کے صدر چودھری نثار علی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ یکجہتی کے لیے سکاٹش پارلیمنٹ کے باہر مظاہرے کی کال دی، جس پر تحریک انصاف کے کارکنوں کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی، جن میں بچے، بوڑھے، نوجوان اور بڑی تعداد میں خواتین بھی شریک تھیں۔ عمران خان زندہ باد۔ اس موقع پر ابرڈین سے صدر تحریک انصاف اسکاٹ لینڈ خالد جوید اور سابق صدر تحریک انصاف اسکاٹ لینڈ اور ڈنڈی سے ایم این اے طاہر اقبال چودھری کے بھائی فخر اقبال چودھری نے خصوصی شرکت کی۔ زارا حسین، طاہر رشید، چودھری نثار علی، محمد اشراق، سابق صدر تحریک انصاف یو کے نے بھی مظاہرے میں شرکت کی۔ اس موقع پر خواتین اور مردوں نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے، جن پر امپورٹڈ حکومت نام منظور کے نعرے درج تھے۔ اس موقع پر شرکا نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حق میں نعرے بازی بھی کی۔ مظاہرے میں ایک معذور خاتون بھی شریک ہوئیں۔ انہوں نے رو رو کر عمران خان کے حق میں دعائیں دیں۔ اس موقع پر لوگ بہت جذباتی دکھائی دیے۔ ایڈنبرا کی تاریخ کا یہ پہلا مظاہرہ ہے جس میں پاکستانی خواتین نے اتنی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ ہم کبھی بھی امپورٹڈ حکومت کو قبول نہیں کریں گے۔ پاکستان پر ایک بار پھر کرپٹ ٹولے کو مسلط کر دیا گیا ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کو کسی صورت قبول نہیں۔ عمران خان and we are backing him۔ امپورٹڈ حکومت نامزور اور ہمیں جلد از جلد الیکشن چاہیے۔ ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم چوروں کو، زرداری کو اور نواز شریف کو بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، اور جو امپورٹڈ حکومت ہے نامنظور، نامنظور۔ فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں اور عمران کو آپ سے آؤٹ نہیں کر سکتے۔ عمران ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے۔ وی سپورٹ عمران خان، وی آر فرام ایڈنبرا، وی سپورٹ عمران خان، وی آلویز سپورٹ عمران خان، وی سپورٹ دی ٹروتھ، وی سپورٹ واٹس رائٹ، وی سپورٹ جسٹس۔ ہم سب یہاں آج اکٹھے ہوئے عمران خان کے لیے، اور ہماری پوری سب کی دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ جو نواز شریف اور شہباز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اب سوچے ہیں اپنے ملک کے لیے اور عمران خان کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد۔ زندہ باد۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ عمران خان کی سپورٹ کریں، اور ہمیں عمران خان دوبارہ حکومت میں چاہیے، اب کے بار ایک دفعہ کے لیے نہیں، تین بار کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، تاکہ پاکستان کے لیے وہ کچھ کر کے جائیں۔ پرامن احتجاج کیا گیا ہے جس میں اسکاٹ لینڈ کی
ओवरसीज कम्युनिटी ने शिरकत की है और उन सब का एक ही मुतालबा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ना सिर्फ पाकिस्तान के शहर शहर में बल्कि दुनिया के कोने कोने में जिस तरह पाकिस्तानी आवाम सड़कों पर है, ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है। हमारा नेक्स्ट वज़ीर आज़म इमरान खान होगा और हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं। जितने भी यहाँ पे बिल्कुल लोग हैं वो कसीर तादाद में इकट्ठे होकर पीटीआई के हक में एक बहुत बड़ी आवाज़ में इमरान खान का साथ दिया है। खान जिंदाबाद। पाकिस्तानी नेशन इज नॉट अ बैगर एंड बैगर कैन नॉट बी अ लीडर, सो वी ऑल कम हियर टू से दैट गो शहबाज गो। हम इस इंपोर्टेड हुकूमत को नामंजूर करते हैं और हम डिमांड करते हैं कि जो हमारा ओवरसीज का वोट का हक है वो उसको ख़त्म ना किया जाए। मुजाहरे के शुरका ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ भरपूर इजहार यकजहती हुई करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, दुनिया के कोने कोने में बसने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हक में खड़े हो चुके हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा की तरह इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। चौधरी खालिद परवेज, 92 न्यूज़, एडनबरा, स्कॉटलैंड। आगे बढ़े और आपको बताएं, स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में पाकिस्तान कौंसलेट के सामने ओवरसीज पाकिस्तानीज का इमरान खान के हक में और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मुजाहरा किया गया। फजा पीटीआई के नारों और तरानों से गूंजती रही। शरका ने पाकिस्तान में जल्द अज जल्द इलेक्शन का मुतालबा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं ग्लासगो से 92 न्यूज के नुमाइंदे शाहिद मीर। दुनिया भर में पाकिस्तानी अवाम हर जगह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए इत्तेजाजी मुजाहरे कर रही है। यूके के दीगर शहरों की तरह स्कॉटलैंड में भी तकरीबन हर रोज मुजाहरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान कौंसलेट ग्लासगो में होने वाले मुजाहरे का आगाज कौमी तराने से किया गया। मुजाहरे में हजारों की तादाद में बुजुर्ग मर्द, खवातीन, बच्चे शरीक हुए। शुरका ने प्ले कार्ड के अलावा सबज हिलाली परचम और पीटीआई के झंडे उठा रखे थे। इस मौका पर फिजा कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान के नारों से गूंजती रही। ग्लासगो में एक ही हफ्ते के अंदर दूसरा बड़ा एहतजाज था जो कि यहाँ की कम्युनिटी की तरफ से किया गया। इस मौका पर शुरका का कहना था कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, जब तक अगले इलेक्शन की तारीख का बाकायदा ऐलान नहीं किया जाता या फिर इमरान खान को वापस उसका ओहदा नहीं दिया जाता तब तक मुजाहरे होते रहेंगे। शुरका का कहना था गैर मुल्की एस्टेब्लिशमेंट की साजिश को किसी भी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। सब ने हाथ उठाकर हल्फ दिया कि हम इमरान खान के साथ हैं और इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। मुजाहरे के शुरका खास तौर पर बच्चों और खवातीन का जोश व खरोश दीदनी था। जलसे के दौरान फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, अमरीका का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है वगैरह के नारों से गूंजती रही। 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मुजाहरे के शुरका का कहना था जब तक इलेक्शन नहीं होते हम तब तक इमरान खान के हक में मुजाहरे और एहतजाज करते रहेंगे। हमें इम्पोर्टेड और करप्ट हुकूमत किसी भी सूरत मंजूर नहीं। 55 ममालक भी इसके साथ, मुसलमान ममालक भी इसके साथ खड़े होंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप देख लेना। सारी इसकी सारी उम्मत अब इंशाल्लाह उसके साथ खड़ी होगी। हम तो यही समझते हैं कि कायदेआज़म के बाद अगर कोई बंदा खुदार मिला है तो वो यही मिला है। सबसे बड़ा अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। हम यहाँ पे इसलिए आए कि हम जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है वो नामंजूर है, हम उससे नहीं मानते। आज तक हमने इस तरह की कोई चीज बेइंसाफी नहीं देखी जिस तरह की इस हुकूमत के खिलाफ एकदम से ये एकदम हुआ है, तो हम इस सिलसिले में इत्तेजाज कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। आवाम का जमे जफीर हर जगह था और एक ही बात थी, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, बहुत अच्छा वज़ीर आज़म है, ये अच्छे से अच्छा काम करता है, हमारी नई जनरेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया इसने। इमरान खान जिंदाबाद। आई स्टैंड विद इमरान खान, इमरान खान जिंदाबाद। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी ग्लासगो में इकट्ठे हुए हैं, पिछली दफा संडे से भी ज्यादा पब्लिक है, बच्चे हैं, यंग, जवान, लेडीज सब यहाँ पे आए हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए। कानूनी मुदाखलत हुई है हमारे पाकिस्तान में, इसको हमारे लीडर ने नामंजूर किया है और पाकिस्तान की गयूर आवाम भी इसको नहीं मानती। तो नाइंसाफी पूरे दिहाड़े में इसको डाका कहूंगा, इमरान खान के खिलाफ जो इन्होंने डाला है और ये आलमी साजिश है। Raise your voice for justice, raise your voice for Imran Khan, raise your voice
ये इंशाल्लाह दो महीने के लिए इमरान खान उतरा, दो महीने के बाद इंशाल्लाह टू थर्ड मेजोरिटी के साथ आएगा, सारे दुनिया देखेगी। पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है और इमरान खान को आना चाहिए पाकिस्तान में, बिल्कुल हम उसके साथ हैं। इमरान खान शुड बी प्रेसिडेंट नॉट शहबाज शरीफ। इमरान खान साहब ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और हमें भी उनके साथ चलना चाहिए और इस गवर्नमेंट नाम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट को गिराना चाहिए। मैं समझता हूँ, टोटली समझता हूँ, ये पूरा अमेरिका की साजिश है, टोटली इसका जो ऑर्केस्ट्रेटेड बाय अमेरिकन्स। अब हम लोग कोई भी घर में बिल्कुल नहीं बैठ सकता है, जैसे कि पाकिस्तान की आवाम बाहर निकल चुकी है, इसी तरह ओवरसीज तो सबसे ज्यादा इमरान खान के करीब है और वो सारे के सारे घरों से बाहर आ गए हैं और वो सब लोग यही चाहते हैं कि हमारा इमरान खान वापस आए। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन का जो है वो बोलबाला हो और आइन के हिसाब से ही बात की जाए। हम गुलामी कभी कबूल नहीं करेंगे, हम इमरान खान के साथ खड़े होंगे इंशाल्लाह आखिर दम तक। पूरे पाकिस्तान ने यकजान होकर स्लो मोटर एक्शन ले लिया है, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट नामंजूर, पूरा पाकिस्तान खान साहब के पीछे खड़ा है। बेकारी कौम समझते हैं, हम एक जिंदा कौम है, हम इमरान खान के साथ है और इंशाल्लाह उसके साथ रहेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हम कभी भी और किसी भी मौके पे इमरान खान के बगैर नहीं रह सकते। हम जल्द से जल्द इलेक्शन का मुतालबा करते हैं और इमरान खान के साथ उस वक्त तक खड़े हैं जब तक वापस वज़ीर आज़म नहीं बन जाता। इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को हमने शायद आजादी दे ली थी 1947 में, लेकिन खुद मुख्तारी का मतलब समझाया कि हमें खुद मुख्तार कौम है। ये टोटली इन्होंने अच्छा इंसान किसी को पसंद नहीं आता जो मुल्क के लिए अच्छा सोच रहा है, इसीलिए अभी और कुछ भी नहीं, बस हम लोग बाहर निकले इसीलिए कि बस इलेक्शन कराए जाएं और आवाम फैसला करे जो कि आवाम ने ऑलरेडी कर दिया है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हमने कायदे आजम के जमाने में सुना था कि गुलामी सबसे बड़ी लानत है, आज हमने अपनी आंखों से वो देख लिया। मुकामी पीटीआई रहनुमाओं प्रिंस वसीम, कामरान भट्ट, राणा हामिद खान, अली हैदर खान, जफरुल्ला खान, तारिक शब्बीर, राणा मोहम्मद खान, राणा फरीद, राणा समी, सूफी अली अहमद, नदीम अशरफ, राणा अनस, राणा अदीम, राजा खलील, राणा राशिद महमूद, राणा अहमद खान और उमर इसहाक और दीगर साथियों ने भरपूर शिरकत की। पोलैंड के शहर ग्लासगो में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और जो कॉमन सिटीजन है जिनका किसी सियासी जमात से कोई तलक नहीं, उन्हें यहाँ पे पाकिस्तान काउंसिल ग्लासगो के बाहर भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें बच्चों ने, नौजवानों ने, खवातीन ने भरपूर तादाद में शिरकत की और मुतालबा किया कि इम्पोर्टर हुकूमत को फौरन खत्म किया जाए और जल्द अज जल्द पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाएं। शाहद मीर, 92 न्यूज, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। मशरक लंदन में ओजी बे इंटरटेनमेंट्स की जानिब से ग्रैंड इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें कम्युनिटी की आम शख्सियात समेत बैनुल अक्वामी बॉक्सर हमजा शिरास ने शिरकत की। इफ्तार डिनर से कबल नातख्वानी और बाद में मारूफ कवाल सुहेल सलामत अली खान ने कवाली पेश करके खूब दाद वसूल की। मजे जानते हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन में ओजी बी एंटरटेनमेंट्स की जानिब से ग्रैंड इफ्तार डिनर में सना खानाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहौल को रूह परवर बना दिया। कवाली पे लोग उस्ताद सुहेल सलामत अली खान को दाद देते रहे। इफ्तार से कबल अवैस बरादरान ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक्दस में गुलहाय अकीदत पेश किए। उस्ताद सुहेल सलामत अली खान ने कवाली की और अलामा एजाज नीरवी ने फलसफा रमजानुल मुबारक पर रोशनी डाली। इफ्तार प्रोग्राम में लंदन के तूलो अर्ज से कारोबारी शख्सियात और खातून और बच्चों ने भी शिरकत की। सभी शुरकाए तकरीब खुश थे कि उन्हें प्रदेश में देश का माहौल मुयसर आया। जो खिलाड़ी होते हैं, जो बॉक्सर हमदा शराज, वो हमारे लिए एक काबिल फख्र है और मैं उनके लिए दुआ हूँ, अल्लाह ताला उनको मजीद तरक्कियां और कामयाबी अता करे
ये बेसिकली पाकिस्तान के सफीर हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। हम उजीबी को अप्रिशिएट करते हैं, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। मुसलमान कम्युनिटी प्रदेश में रहती है, इतने जितने भी पाकिस्तानी इधर मौजूद हैं सब बहुत खुश हैं, बहुत ज़बरदस्त एक मेले का माहौल है। नई पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे जमा हुई है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे यूके के अंदर होने चाहिए जिससे कम्युनिटी को आपस में मिलने मिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है। It's really nice, bringing the community together. So yeah, really enjoyed it. तकरीबन 300 से 400 लोगों का ये इफ्तार का डिनर हमने रखा हुआ था और लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और एक अच्छा फंक्शन इख्तिताम पाया। No, it was a great to share iftar with many Pakistani Muslims over here today. I'd like to say a massive thank you to Mustafa Ali Shah for getting the Pakistani media behind me, supporting me, helping me and also inviting me down here. अपने पाकिस्तानी हीरो के लिए इकट्ठे हुए हैं, अफ्तारी भी थी, उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। डायरेक्टर ओजीवी उस्मान महमूद ने कहा कि ग्रैंड अफ्तार डिनर का मकसद माह रमजान में तमाम दोस्तों के साथ मिलकर नेकियां समेटना है। उन्होंने कहा कि मारूफ बॉक्सर हमजा शिराज का इस प्रोग्राम में शिरकत करना बायसे एजाज है। मदीना मस्जिद रॉचडेल में यूके इस्लामिक मिशन की तरफ से बाहमी हम आहंगी के फरोग के लिए इंटरफेथ इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम कम्युनिटी ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं राजा वाचिद की इस रिपोर्ट में। मदीना मस्जिद रॉचडेल में यूके इस्लामिक मिशन की तरफ से बैनुल मज़हब हमआहंगी के फरोग के लिए इंटरफेथ इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। इफ्तार डिनर के शुरकान इस मौके पर अपने खिताब में मदीना मस्जिद के सदर नबील तारक का बैनुल मज़हब इफ्तार डिनर का अहतमाम करने पर खसूसी शुक्रिया अदा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर मदीना मस्जिद रॉचडेल नबील तारक, इमाम और खतीब मस्जिद मौलाना अब्दुल रशीद, मौलाना अब्दुल हकीम और मीडिया कोऑर्डिनेटर यूके IM नॉर्थ जोन खालिद चौधरी का कहना था कि हम ये इफ्तार डिनर हर साल मुनक्कद करते हैं, इसका मकसद दूसरे मजहब के साथ बाहमी हमआहंगी के फरोग, रोजे की अहमियत और इस्लाम के असल तशख्खुस को उजागर करना है। मीडिया से बातचीत करते हुए दीगर शुरका का कहना था कि इस इफ्तार डिनर में आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्हें इस्लाम और रमजान के हवाले से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। हम मदीना मस्जिद की इंतजामिया के बेहद मशहूर हैं, जिन्होंने इस बैनुल मजहब इफ्तार डिनर का अहतमाम किया। इस किस्म की इफ्तार हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है कि हम कम्युनिटी के वो लोग जो कि रमजान और मस्जिद के बारे में नहीं जानते, हम उनको इनवाइट करते हैं और वो हमसे सवाल जवाब करते हैं। Today we're holding the unity iftar for our non-Muslim neighbors. We're calling them to the masjid to see what Muslims do in the month of Ramadan, what activities take place in the masjid. And just to have some good fun and good food and enjoy our time with each other. ये जो नान मुस्लिम जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त हैं, तो उनको पता चल सके कि मुसलमान रोज़ा क्यों रखते हैं, और फिर ये दूसरी वजह ये भी है कि ताकि वो हमारे इस तरह वो हमारे करीब आएंगे इंशाल्लाह, तो और वो उनको इस्लाम को और मुसलमानों को समझने का मौका मिलेगा। This brings all the communities together, and also there are lectures and presentations where we tell them why it is beneficial to fast. जितने भी हमारे गैर मुस्लिम लोग हैं, हमारे लेबर हैं, हमारे टाउन के हैं, सिटी के हैं, उनके अंदर जो है कम्युनिकेशन गैप है, एक तो वो ख़त्म हो और हमारे वो नज़दीक आए, तो इसके मतलब हम जो है ना इस्लाम का पैगाम देते हैं, हमारे इमाम जो है उनको ब्रीफिंग देते हैं। I'm actually feeling very humbled to be here tonight. I've been very welcomed. I didn't actually know until tonight that your imam is my next door neighbor. So I just thought my next door neighbor had invited me to join in the community. And he's the actual imam of the mosque. I've learned a lot of new things. Everyone here has been so lovely, so welcoming. I knew a lot about the Islam faith previously, but I've never been into a mosque before. I've never been to iftar. And it's just so nice to come and experience this with you all. And like I said, I've been so welcomed and really looking forward to it. And I just wish other people would turn up and experience it too. I am really excited to be here today with you all, especially because it's the iftar celebration when we all come together to share a meal, and everything you've done throughout the day to fast and what you've been through to go through that, it's really quite special for us to take part in that with you. आज बड़ी तादाद के अंदर हमारे पीछे आप देख रहे हैं कौंसलर, सावक मेयर और करंट जो कौंसलर और बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं और मुसलसल वो आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम कई सालों से कर रहे हैं और इसके बड़े फ़ायदे हैं। हम लोकल सतह पर लोगों से मुतारफ़ हैं और इस सिलसिले में हमने बड़ी कोशिश की है, हमारे नौजवान इस सिलसिले में बड़े मुतहरक हैं। इफ्तार डिनर में शिरकत करने वालों में डिप्टी लीडर ऑफ रॉचडेल कौंसिल, कौंसलर अदालत अली, कौंसलर शकील अहमद, कौंसलर मोहम्मद आफ्ताब, कौंसलर मोहम्मद जमान, डॉक्टर अब्दुल शकूर, कौंसलर समीना जहीर और दीगर शख्सियात शामिल थीं।
नीदरलैंड के शहर एम्स्टर्डम में इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हुआ, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। इस मौके पर फजा इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। तफसीलात के लिए देखते हैं एम्स्टर्डम से डॉक्टर मोहम्मद कामरान की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीदरलैंड के ज़ेर इंतज़ाम होने वाले मुजाहरे में पाकिस्तानियों की कसीर तादाद शरीक हुई। मुजाहरे के शुरका ने इमरान खान की हुकूमत के खात्मे पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। मुजाहरीन का कहना था कि जिस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग और रात के अंधेरे में हुकूमत तब्दील की गई, वो जमहूरी रवायात के खिलाफ है और किसी महज़ब माशरे में इसकी मिसाल नहीं मिलती। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिन पर इमरान खान के हक और नई हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर इमरान खान के हक में शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरे से खताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया, नमूस रिसालत, कश्मीर और फलस्तीनियों की आवाज़ को दुनिया में उठाया है, वो काबिले सताइश है। 92 न्यूज़ से बात करते हुए मुजाहरे के शुरका ने इदारों से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवाया जाए और इक्तदार मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किया जाए। पूरे हॉलैंड की तारीख में आज तक पाकिस्तानी कम्युनिटी का इतना बड़ा इज्तिमा हॉलैंड की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है जितना आज हुआ था। सब लोग एक जुबान थे, एक ही नारा था कि हम लोग जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसके खिलाफ हैं। सिर्फ इमरान खान को सपोर्ट करने आया है, कभी भी किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे जो पाकिस्तान को लूटता है, कभी भी। मैं जी इंडिया तो मैं तो इमरान खान का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, उन्होंने साडे लिए रस्ता खोलिया, अज असी उन्होंने प्रोग्राम दे विच उन्होंने स्टैंड लिया होया है। मैं इमरान खान के लिए आया हूँ और मैं इमरान खान को सपोर्ट करने आया हूँ और मैं कहता इमरान खान जीतेगा। खान साहब को दोबारा हुकूमत में लाया जाए, उसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। खुश आमदेद, इमरान खान के साथ एकजुटी करने के लिए सारे इकट्ठे हुए यहाँ। वी नीड इलेक्शंस, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। पहले वो अकेला था, अब हम सब उसके साथ हैं। हम सबको चाहिए, हम इमरान खान की कदर करें, अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी है, हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी सॉलिडारिटी शो करने के लिए आए हैं, हम इमरान खान से प्यार करते हैं, इमरान खान ईमानदार है, इमरान खान हमारे मुल्क के लिए सबसे अच्छा है। मुजाहरे में श्रीलंका और भारतीय पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी इमरान खान के साथ इजहार यकजहती किया। मुजाहरे में शरीक एक श्रीलंकन खातून का कहना था कि पाकिस्तान भी श्रीलंका की तरह माशी मुश्किलात का शिकार है और इमरान खान जैसा ईमानदार लीडर ही पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकता है। मुजाहरे में शरीक भारतीय पंजाब के लोगों ने इमरान खान की तरफ से करतारपुर का रास्ता खोले जाने पर उनका शुक्रिया अदा किया। मुजाहरे के शुरका ने इस अजम का इजहार किया कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं किया जाता, एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़।